हे hey गाइस, आज हम बनाएंगे सोयाबीन की रोटी। आप सोच रहे होंगे सोयाबीन की रोटी, सोयाबीन की रोटी। हाँ, ये बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस है। ये हाई इन प्रोटीन है। और कभी कभी हम गेहूं की रोटी या कोई और रोटियां खा खा के जब बोर हो जाते हैं, तो ये एक हेल्दी ऑप्शन है और एक रिफ्रेशिंग ऑप्शन है बाकी और रोटियों के अलावा। आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। पहले मैं बताना चाहूंगी कि सोयाबीन दिखते कैसे हैं। सोयाबीन की रोटी हमेशा ये सोयाबीन जो ऑलमोस्ट चौली जैसे दिखते हैं, चौली के जैसे ही दिखते हैं, क्रीम कलर के हैं लेकिन छोटे दाने हैं। सोयाबीन चंक्स से कभी भी आटा नहीं बनता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि सोयाबीन चंक्स को हम ग्राइंड कर लेंगे तो आटा बन जाएगा। नहीं, ये सोयाबीन के दाने हैं, ये दिखते हैं। मैं क्लोजअप लेकर दिखा रही हूँ आपको। ये सोयाबीन को आपको ड्राई रोस्ट करना है, तब तक जब तक ये लाल हो जाएंगे। उसके बाद उसको ड्राई रोस्ट करने के बाद आपको उसको ठंडा करके या तो घर की चक्की में पिसवाइए, या आप आपके पास में कोई चक्की है, फ्लावर मिल है, तो वहां पे आप दे सकते हैं पिसवाने। या तो आप सोयाबीन का आटा, ये मैं चक्की में पिसवाई हुई ये सोयाबीन है, आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट क्रीमिश येलो बेसन के आटे के जैसा ऑलमोस्ट दिख रहा है, लेकिन ये बेसन का आटा नहीं है, ये सोयाबीन का आटा है। जो ये चक्की का प्रोसीजर या ये प्रोसीजर नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए आप रेडीमेड सोयाबीन का आटा ला सकते हैं मार्केट में, लेकिन घर के बनाए हुए आटे की बात ही कुछ और है। चलिए आइए बनाते हैं सोयाबीन की रोटियां। इसके लिए सोयाबीन के आटे की जरूरत होगी 1 कटोरी। अगर आटा है तो उसके साथ जरूरत होगी, मैंने पानी को उबालने के लिए रख दिया है। ये एकदम सॉफ्ट रोटियां बनती है, बिल्कुल सॉफ्ट, एकदम रुई जैसी सॉफ्ट बनेंगी रोटियां अगर आप ये प्रोसीजर करेंगे। पानी को मैंने ऑलमोस्ट गर्म करने के लिए रख दिया है। जैसे ही पानी गर्म होने लगता है, इसमें हम नमक डाल देंगे। अगर 1 कटोरी सोयाबीन का आटा है तो 1 कटोरी पानी होना जरूरी है। जितना आप आटा ले उतना ही आपको पानी लेना जरूरी है। चलिए ये पानी उबलने लगा है, अब मैं सोयाबीन का आटा धीरे धीरे करके डालूंगी। ये मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, गैस को बंद कर लेते हैं। अब मैं बचे हुए आटे को डालूंगी। ये सारे आटे को हमको मिक्स कर लेना है अच्छे से। चलिए हम आटे को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरा आटा रेडी है। इसको मैं अभी ढककर 15 से 20 मिनट तक के लिए छोड़ दूंगी, ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए ये आटा। गर्म पानी पहले हमने भुना हुआ है और ये आटा अच्छे से ड्राई रोस्ट किया हुआ है, फिर भी मैं ये गर्म पानी में मिक्स किया हुआ आटा अभी मैं 15 से 20 मिनट के लिए ढककर इसे छोड़ दूंगी। 15 मिनट हो गए हैं। चलिए आइए ये ढक्कन को खोल के देख लेते हैं इसकी क्या दशा है। चलिए ये मुझे थोड़ा सा भी ड्राई लग रहा है, मैं इसको तेल से थोड़ा सा मसल लूंगी। आइए इसको थोड़ा सा अच्छे से मसल लेते हैं, ताकि इसका जो टेक्सचर है वो काफी सॉफ्ट हो और रोटियां खाने में काफी आपको सॉफ्ट और टेस्टी लगे। ये आप देख सकते हैं मैंने आटे को मसल लिया है। अभी इसमें थोड़ा सा हम तेल ड्रिजल करेंगे, ताकि ये काफी अच्छा सॉफ्ट और स्पॉन्जी लगे। और एक बात बताना चाहूंगी कि सोयाबीन एक वेजिटेरियंस के लिए बहुत ही हाई प्रोटीन सोर्स है। जब भी वेजिटेरियंस को हमेशा प्रोटीन की कमी रहती है, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेजिटेरियन सोर्सेज के लिए। ये वेजिटेरियंस के लिए हाई प्रोटीन का सोर्स है एंड इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। आइए ये थोड़े से तेल में इसको मसल लेते हैं और फिर इसको बेल लेंगे। आटे का टेक्सचर आप देख सकते हैं काफी अच्छा लग रहा है। पहले से ये काफी मसलने के बाद सॉफ्ट लग रहा है, अभी इसको बेल लेंगे। ये आटा आप जब भी गूंदेंगे तभी आपको फील होगा ये थोड़ा स्टिकी टेक्सचर है, बिकॉज ऑफ द गुड सोयाबीन ऑयल इन इट। आप जानते हैं सोयाबीन का ऑयल भी मिलता है मार्केट में, ये ही सोयाबीन से सोयाबीन का ऑयल बनता है, तो आप जान सकते हैं कि ये कितना पौष्टिक है और कितना सेहत के लिए अच्छा है। चलिए इसमें मैंने थोड़ा सा ही तेल डाला है, इट इज वेरी हेल्दी। आप बहुत अच्छे हेल्दी फॉर्म ऑफ रोटी हम बनाएंगे आज। आइए इसको बेल लेते हैं। चले मेरी रोटी बेल के रेडी है, अब इसको तवे पे ट्रांसफर करें। याद रहे तवा आपका नॉनस्टिक होना बहुत जरूरी है। अगर आपका तवा नॉनस्टिक नहीं है तो ये आम तवे में ये रोटी चिपक सकती है, फिर बाद में आपको फुलाने की बारी आएगी तो ये नहीं फूलेगी, क्योंकि ये चिपक के नीचे
थोड़ी सी टूट जाएगी या छेद हो जाएगा तो ये रोटी नहीं फूलेगी। तवे पे मैंने ट्रांसफर कर लिया है, एक साइड हम थोड़ा सा कच्चा ही पकाएंगे और फिर इसको फ्लिप करेंगे। मैंने रोटी को फ्लिप कर दिया आप नीचे की साइड, तो पूरी पका लेंगे और फिर इसको गैस पे, जैसे आम गेहूं के फुलके हम गैस पे फुलाते हैं वैसे फुलाने की कोशिश करेंगे। और आपको नीचे की साइड दिखा देती हूँ, ये अच्छे से काफी पक गई है, अब इसको हम गैस पे फ्लिप कर देंगे। वाह, आप देख सकते हैं ये रोटी कैसे गैस पे फूल रही है। अब मैं इसको निकाल लूंगी। वाह, ये पिघलते हुए घी के साथ रोटी खाने का मजा ही कुछ और है। आप जरूर ये सोयाबीन की रोटी बनाइए, आपको एक भी बार पता नहीं चलेगा कि ये गेहूं की रोटी नहीं है, लेकिन ये बहुत ही हेल्दी है। ग्लूटेन में डेफिनेटली कम है इसमें ग्लूटेन, और फिर भी ये फूली है, आपने देखा होगा। आप ऐसे ही डेफिनेटली मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिए और आपके अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही और एक रेसिपी के साथ मैं फिर मिलूंगी। आप डेफिनेटली शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। तब तक के लिए बाय।